नमस्कार दोस्तों, भूनपाल इन्फिनिटी में आपका फिर से स्वागत है। ये मेरा डॉग है, जर्मन शेपर्ड डॉग है, लॉन्ग कोटेड एडम। ये आज 5 महीने का पूरा हो गया है। इसके ईयर के स्टैंडिंग की प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने इसके ऊपर टेपिंग की हुई है। इस डॉग को की वैक्सीनेशन और डाइट हमने टाइम टू टाइम बिल्कुल सही रखी हुई है। सिर्फ इसके ईयर की प्रॉब्लम थी कि वो एक ईयर तो इसका लेफ्ट साइड वाला ईयर जो है वो खड़ा नहीं हो रहा था, और जो राइट साइड वाला है वो बिल्कुल सही था। और जब हमने वेट से कंसर्न किया तो उसने कहा कि इसके ईयर काफ़ी बड़े हैं, उसकी वजह से कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी आप इसके फीचर्स देख सकते हैं। 5 महीने का ये डॉग लगभग 30 किलो से ऊपर है। जब मैं इसको लाया था तो थोड़ा सा दिमाग में डाउट था, कि YouTube की अदर वीडियो देख के भी थोड़ा डाउट था कि फिंगर से जब इसके हेयर की मेज़रमेंट लेते थे वो YouTube की वीडियो में, और बोलते थे कि 1 इंच या 2 इंच इस तरह से होने चाहिए, इसका भी वैसा ही था। बट धीरे धीरे इस डॉग के बाल काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं। ये लगभग 3 इंच से मुझे ज़्यादा ही इसके हेयर लग रहे हैं। लॉन्ग कोटेड है ये, और इसकी चेस्ट भी आप देख सकते हैं, काफ़ी चौड़ी चेस्ट निकल रही है इसकी। और जब मैं इसको वीडियो में देख रहा हूँ तो वीडियो में मुझे फिर भी छोटा नज़र आ रहा है ये, लेकिन जब हम इसे लाइव देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा डॉग नज़र आता है। और इसके अभी तक दांत भी छोटे छोटे हैं, काफ़ी एक्टिव डॉग है ये। इसको ये नारियल बहुत पसंद है। इसको मैं रॉयल कैनिन और कर्ड ज़्यादा देता हूँ, और शाम के टाइम इसको एक एग, बॉयल एग,